राजकुमारी बिंदु को वोट दीजिएगा। राजकुमारी बिंदु को ही वोट दीजिए। वोट राजकुमारी बिंदु को दीजिएगा। मैं और पर्चे लेकर आता हूं। क्या कर रहा भाई? अच्छा यहाँ क्या दाने बांट रही है? चल हमारे साथ चने के खेत में। क्या बोल रहा है ये? क्या बदतमीजी है? छोड़ो हमें। अब सती सावित्री होने का नाटक मत कर। जब पराए मर्द के साथ बिस्तर पे थी तब कहाँ गई थी ये लाज? क्या बक रहे हो? छोड़ो हमको। ये तुम लोग क्या बोल रहे हो? अरे इसी औरत की वजह से आमेर कोर्ट की असली वारिस रानी गायत्री अपना घर छोड़ कर चली गई थी और इसी ने उनके पति पर डोरे डाले थे और आप लोग इस उल्टा के हाथ का खाना खा रहे हैं। छोड़ो। छी, हम भूखे मर जाएंगे पर ऐसे हाथ का दिया हुआ अन्न नहीं खाएंगे। ये लोग झूठ बोल रहे हैं, सब कुछ नहीं है, लोग झूठ बोल रहे हैं, छोड़ो हमें। तू तो औरत के नाम पे कलंक है, कलंक। अरे रजवाड़ों का क्या है, रखे रखे छोड़ दी। तुम्हारा दिमाग खराब है, क्या बके जा रहे हो? अरे ऐसी औरत देश चलाएगी, आप लोग इसे वोट देंगे? सिद्धार्थ, लिसन टू मी, यश जोकर है। सिद्धार्थ, तुम यहाँ कैसे आए? सिद्धार्थ, मेरी बात सुनो रोशनी, यश ही जोकर। लिसन टू मी, डैम इट, यश इज द जोकर, मेरे पास वक्त नहीं है। सिद्धार्थ, तुम क्या बोल रहे हो? यश मेरा बेस्ट फ्रेंड है सिद्धार्थ, वो मेरे बचपन का फ्रेंड है। हाउ कुड इट बी? और तुम कोमा में थे ना? पास वक्त नहीं है, वो सब एक नाटक था, इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि जोकर मेरे पास है और अपनी सच्चाई मेरे सामने रिवील करे और वही हुआ और यश इज द ब्लडी जोकर। हमारे परिवार के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ है, तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमले, आयशा की किडनैपिंग, सासू माम के ऊपर हमले, एवरीथिंग हैज बीन डन बाय हिम। प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो, इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी। प्लीज प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। भगवान को याद किया और शैतान हाजिर, और वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरा बदला लेने से भगवान भी नहीं रोक सकता। प्लीज मुझे मत मारो, देखो मैंने थोड़ी ना तुम्हें मारा, तुम्हें बदला ही लेना ना, तो तुम निखिल से बदला लो, उसी ने तुम्हें मारा। मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे मत मारो प्लीज। नहीं नहीं, खून खून के बदले कौन? पर मां साहब, हम सब तो इसी घर के हैं, तो फिर हम परी और सत्तू को अलग करना क्यों चाहेंगे? हो ना हो, इन सब में इसी लड़की का हाथ है। झूठ जितना बड़ा हो, सफाई भी उतनी बड़ी हो जाती है छाई। तुझे कोई परहेज है क्या इन दस्तानों को पहनने से? नहीं नहीं माँ साहब, हम कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं, जो मैंने बोल दिया
तो बोल दिया, ये दस्ताने सबको पहन के दिखाने होंगे। वो नंदिता ही थी माँ, जिसने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया, तो उसका अंत भी आपको निश्चित करना है। जिस तरह इन पापियों का विनाश किया है आपने, उसी तरह नंदिता का भी आज ही विनाश हो जाएगा।